गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इन टुडे सेशन वी विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ रेफ्रिजरेशन। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज आरएसी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट टर्म्स इन टुडेज टॉपिक आर heat engine, refrigerator and heat pump. I have already told you about the mechanism of a refrigerator, how actually a refrigerator works. There were four components in a refrigerator, main components, and I have already told you why a refrigerator needs a work input. Okay, but today we are going to have some discussion on that. I have taken three devices here: a heat engine, refrigerator, and a heat pump. So, refrigerator and heat pump are associated with refrigeration and air conditioning. But why I have shown here a heat engine is because if you reverse the cycle of a heat engine, we will get the refrigeration effect. अगर आप heat engine की जो cycle है, उसको reverse कर देंगे, so तब आपको एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, या फिर आप हीट इंजन की साइकिल को अगर रिवर्स कर देंगे तो वहां उससे आप कूलिंग इफेक्ट को भी ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज अ हीट इंजन, अ रिकैपिटुलेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज अ हीट इंजन इज, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर। सो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल टू प्रोड्यूस सम वर्क इनपुट व्हाइल टेकिंग हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी, and after producing some work output or after producing some work, some amount of heat is rejected to a cold body. Okay, so our heat engine operates between two temperature limits, a higher temperature and a lower temperature. So if you heat engine is a work producing device. Now if you reverse the working of a heat engine, what will happen is you will be reversing this whole cycle, and it will look like this. The heat will be extracted from the cold body, and you will give some work input to the system, and the work input and the heat supplied, heat extracted from the lower temperature body will be supplied to the hot body. सो हीट इंजन में हम लोग किसी बॉडी को, मतलब हीट इंजन जो डिवाइस है उसको हीट देके उसे वर्क आउटपुट ले रहे थे। बट व्हाट इफ यू रिवर्स द साइकिल, यू विल गेट सम कूलिंग इफेक्ट। और सपोज इफ यू वांटेड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी, lower temperature body to a higher temperature body, you have to supply some amount of work input to the system. आपको कुछ heat work input देना पड़ेगा किसी system को, अगर आपको एक body से cold, एक body जो lower temperature पे है उससे अगर heat transfer करानी है higher temperature body पे। तो मैं already आपको ये बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, आपको heat input देना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आप lower temperature body से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जब आपने हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जो वर्किंग फ्लूड होता है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से काफी कम होता है। तो आपने जो हीट लोअर टेम्परेचर बॉडी से एक्सट्रैक्ट करी है, इसको हायर टेम्परेचर पर भेजने के लिए आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराना पड़ेगा। सो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए आपको कुछ एनर्जी इनपुट देनी पड़ती है, वो एनर्जी इनपुट आप हीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं और वर्क की फॉर्म में भी दे सकते हैं। सो ये जो चीज है, एनर्जी इनपुट देना फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी, दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट। क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें उन्होंने यही बोला था, इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी, यू नीड टू गिव सम वर्क और सम एनर्जी इनपुट। ओके, सो व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर, अभी हम देखेंगे। रेफ्रिजरेटर इज अ
हीट इंजन हमने देख लिया, हीट इंजन को अगर आप ऐसे इसका लाइन डायग्राम बना के देखें हम यहाँ पर, तो हीट इंजन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, T1 और T2, और T2 में भी ग्रेटर देन दी एम्बियंट टेम्परेचर, और इट डज नॉट मैटर, एक हाई टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर है। हीट पंप, हीट इंजन में आप लोग एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हीट लेते हैं और वर्क आउटपुट आपको मिलता है, व्हाइल यू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट टू द लोअर टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज अ हीट पंप एंड व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, साइक्लिक डिवाइस है, दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, ऑपरेट्स इन अ साइकिल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और इन ऑर्डर टू कीप अ बॉडी, दिस इज द कूल्ड स्पेस, इन ऑर्डर टू कीप अ बॉडी बॉडीज टेम्परेचर लोअर देन दी सराउंडिंग टेम्परेचर बाय टेकिंग सम वर्क इनपुट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एक साइक्लिक डिवाइस है जो एक स्पेस को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता है विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी इनपुट। सो ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में आपको एक जगह को कूल करके रखना होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आपको इस जगह को कूल करके रखना है, अगर आपको इस जगह को कूल लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है या कूल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो आपको इससे एक अमाउंट ऑफ हीट को हमेशा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा लगातार मेंटेन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपने इसका टेम्परेचर एक बार डिक्रीज कर दिया तो इसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका टेम्परेचर अगर आपने एक बार डिक्रीज करा और फिर रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया तो बाहर से हीट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेगा। बट इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर रेगुलरली, तो आपको लगातार वर्क इनपुट देना पड़ेगा और एक साइकिल चलेगी, इसीलिए दिस इज अ साइक्लिक डिवाइस। बस अब जो हीट पंप है इसका अपोजिट होगा, हीट पंप रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है और हाई टेम्परेचर पे भेज रहा है, लेकिन इस समय आपको क्या चाहिए, इसको कूल करके रखना है। तो इस आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है, मतलब आप यही चाहते हो कि आप यहां से लगातार हीट निकालते रहो, बट इन हीट पंप क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर पर भेजता है, दोनों का काम ये है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। बट द डिजायर्ड इफेक्ट विल चेंज इन रेफ्रिजरेटर, वी वॉन्ट टू मेंटेन दिस टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड इन अ हीट पंप वी वॉन्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ स्पेस और अ बॉडी हायर देन दी सराउंडिंग टेम्परेचर। आप सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर उस बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहते हो। सो इस समय जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको यहां से हीट इस स्पेस को देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में अगर आपकी आपको अपने रूम को गर्म रखना है तो आप हमेशा रूम के अंदर हीटर चला के रखते हैं, हीटर चला के रखते हैं। आप अगर हीटर नहीं चला के रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे लगातार हीट देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हीटेड स्पेस में। ओके, सो रेफ्रिजरेटर भी हमने देख लिया, व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज अ साइक्लिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स और दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी इनपुट, एंड हीट पंप इज अ डिवाइस दैट वर्क्स इन अ साइकिल इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को अब पता चल जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप की जो साइकिल है वो वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल्स हैं, या फिर हीट और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ता है। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताऊं जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट को एक तरीके से आप आउटपुट भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हीट इंजन में आपने क्या किया, हीट को इनपुट देते हो, यहां से समझो आपने हीट इनपुट दिया, आपको वर्क आउटपुट मिला, आउटपुट यहां पे वर्क है और इनपुट क्या है, क्यू इन है। अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखो, रेफ्रिजरेटर में आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप यहां से क्यू निकालो, ठीक है, आप यहां से क्यू को निकालो, क्यू इन यहां से क्यू निकालो, तो और इस क्यू को निकालने के लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ रहा है डब्ल्यू के फॉर्म में, मतलब एनर्जी इनपुट देनी पड़ रही है वर्क की फॉर्म में।
तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आप चाहते हो ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है? तो जो वर्क है वो इनपुट हो गया और जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है वो आउटपुट हो गया। अगर हीट पंप की अगर रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो डिजायर्ड इफेक्ट ये हो गया, और अगर हीट पंप की बात करोगे तो डिजायर्ड इफेक्ट ये हो जाएगा जो क्यू आउट है। यहां से एक चीज और देखो, जो साइकिल वर्क डन है, वर्क डन इन दिस साइकिल, या फिर वर्क नॉट वर्क सप्लाइड फॉर दिस साइकिल विल बी इक्वल टू क्यू आउट माइनस क्यू इन, ठीक है? क्यू आउट माइनस क्यू इन, ये टर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे काम आएंगी। ओके, यहां पर इसको ध्यान से समझना, ये इसके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे वहां पर भी पूछे जाते हैं, और अगर एग्जाम पर्पज से बात करोगे तो वहां पर भी ये काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एफिशिएंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सबसे पहले हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। सबको पता है एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर, अगर आपको अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना है, सो वी डिफाइन अ टर्म दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सो इफ यू टॉक अबाउट अ हीट इंजन, द इनपुट इज क्यू एच एंड द आउटपुट इज डब्ल्यू, आउटपुट इज डब्ल्यू। सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द एफिशियंसी ऑफ दिस हीट इंजन, दैट इज अ थर्मल एफिशियंसी, एफिशियंसी ऑफ हीट इंजन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइकिल डिवाइडेड बाई क्यू एच, डब्ल्यू साइकिल डिवाइडेड बाई क्यू एच। और ये डब्ल्यू साइकिल है वो किसके बराबर आता है, क्यू हायर माइनस क्यू कोल्ड। और एफिशियंसी, ये टर्म आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो, एफिशियंसी किसके बराबर आ जाती है, वन माइनस क्यू एच बाय क्यू सी बाई क्यू एच। अगर आप यहां पर देखोगे जो एफिशियंसी है हीट इंजन की, वो हमेशा लेस देन वन आती है, लेस देन वन आती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आप यही एफिशिएंसी किसी हीट इंजन, सॉरी हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की निकालने की कोशिश करो, तो ये जो सीओपी यहां पे लिखा है इसको आप फिलहाल रहने दीजिए, आप इसको समझिए, ये एफिशिएंसी लिखा है। एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी को डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए, एक रेफ्रिजरेटर के लिए। तो रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट क्या था, क्यू इन, जो लोअर टेम्परेचर से हमने हीट ले रहे थे वो था आउटपुट, और इनपुट क्या था, डब्ल्यू साइकिल। तो जब ये कैलकुलेट किया गया, रेफ्रिजरेटर के लिए जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करी गई इस तरह से, तो एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर के लिए ग्रेटर देन वन आ रही थी, ग्रेटर देन वन आ रही थी। और हमें पता है कि एफिशिएंसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती, हम ऑलरेडी ऐसा डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर आपका एक पैरामीटर आप पहले से बोल रहे हो कि वो लेस देन वन है और वो ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एक और पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। एफिशिएंसी हमेशा वन से कम रहती है, और यहां पे इसकी एफिशिएंसी वन से ज्यादा आ रही है, तो हमको दूसरा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इज ओनली दिस, दे बोथ आर परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर अ गिवन सिस्टम, बट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, हेंस वी हैव टू डिफाइन अ न्यू परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, सीओपी यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज द डिजायर्ड इफेक्ट क्यू इन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू साइकिल। और अगर फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखना चाहोगे क्यू की टर्म में, तो क्यू इन डिवाइडेड बाय क्यू आउट माइनस क्यू इन हो गया आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। इसी तरीके से अगर आप हीट पंप के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो सीओपी, हीट पंप के लिए अगर आप सीओपी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हीट पंप के लिए आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो क्या था, क्यू आउट आपका डिजायर्ड इफेक्ट था, तो सीओपी आ गया क्यू आउट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू साइकिल, ठीक है, डब्ल्यू साइकिल। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो यहां पे देख सकते हो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू आउट माइनस क्यू इन। तो ये पैरामीटर्स हैं, आपको इन पैरामीटर्स को दिमाग में रखना है। एफिशिएंसी विल बी यूज्ड फॉर अ हीट इंजन ओनली, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेफ्रिजरेटर एंड अ हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड अ हीट पंप, द पैरामीटर दैट विल डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज सिस्टम्स विल बी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके,